हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 62 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 5 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम अपना जो पाठ है गुरुत्वाकर्षण, उसके अंदर हम जी और जी मतलब जो कैपिटल जी है और जो स्मॉल जी है उसके बीच में क्या आपस में संबंध है और क्या इनमें डिफरेंस है, अंतर क्या है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जो ये गुरुत्व स्थिरांक है जी और गुरुत्व त्वरण है स्मॉल जी, क्या इन दोनों का जो मान है वो सभी स्थानों पर स्थिर होता है, मतलब हर जगह सेम होती है इनकी वैल्यू? तो देखो, ये हम जान चुके हैं कि जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी है उसका मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। ये तो स्थिरांक है, ठीक है, स्थिर रहता है ये। लेकिन जो पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से, ये पूरी तरह से गोल नहीं है पृथ्वी, इसकी वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण है ना उसका मान ध्रुवों पर क्या होता है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब ये आपकी पृथ्वी है, ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। तो ये कम होता है तो यहाँ पे जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है, विषुवत वृत्त से। ठीक है, अब देखो गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन हमें करना है। तो यदि मान लीजिए जो m है पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो स्मॉल m है वो वस्तु का द्रव्यमान है और d क्या है पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी हो, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या होगा? देखो, ये हमने पढ़ लिया था कल, ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, है ना। F जो बल है आपका किसके बराबर होगा, G जो गुरुत्व स्थिरांक है, गुना में जो गुणनफल होगा दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके द्रव्यमान का, बटे में जो उनके बीच में दूरी है, ठीक है वो। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है पृथ्वी के पास है या पृथ्वी पर ही है, तो उसके लिए जो डी है जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी, ठीक है, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। ठीक है, सो जो हमारा स्मॉल जी है वो क्या होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इन टू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ ही लिया था ये। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखूँ समीकरण एक में निम्न मान रखने पर, जो गुरुत्वीय स्थिरांक है वो क्या होता है, 6.7 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, 6 × 10⁻²⁴ केजी, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये आपकी तीनों क्या है, ये आपकी जो मान है जी एम और आर की। अब इसको हम इनको इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे सारी, जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। जी की जगह क्या रखूँगी, 6.7 × 10⁻¹⁰ और ये क्या हो जाएगा मास, 6.6 × 10⁻²⁴ और आर क्या है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर का वर्क। इसको सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करने के बाद जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अतः पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो इतना है। क्लियर, अब हम चलते हैं जी और जी में अंतर, मतलब जो इनमें क्या अंतर है, जो गुरुत्वीय स्थिरांक है गुरुत्वीय त्वरण उनमें क्या अंतर है। देखो, जो कैपिटल जी है उसका मान क्या होगा, 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी का क्या होगा, 9.8 मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश मतलब क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो जी है वो सदिश राशि है, दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, जो कैपिटल जी है उसका मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, स्थिरांक है, स्थिर होता है इसका मान चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है ये हर जगह अलग अलग होता है, हर स्थान पे, हर ग्रह पे अलग अलग होगा। ठीक है, फोर्थ है, गुरुत्व आकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपितम करते हैं, किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं, जबकि गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, जो जी है ये तो स्थिरांक है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, इसकी जो वैल्यू, इसका जो मान है वो हर जगह एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में वही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो जी है, स्मॉल जी है, ये है वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि जो जी है, देखो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के स्क्वायर के, तो जितनी डी ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डी पर दूरी पर निर्भर करता है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये चार प्रश्न दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन के फटाफट से हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जी एवं जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनका एसआई मानक भी लिखिए। तो देखो, जो कैपिटल जी है वो क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, और जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जी है उसका एसआई मानक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
के जी स्क्वायर, जबकि जो स्मॉल जी उसका एसआई मान क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर एक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो पे। जी एवं जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जी और जी में अंतर क्या है? देखो, गुरुत्व आकर्षण स्थिरांक जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और स्मॉल जी होता है गुरुत्व त्वरण। तो जी का मान, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या एक अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती। जी क्या है, सदिश राशि है, राशि है, दिशा भी होती है। जी का जो मान है पूरे ब्रह्मांड में के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, एक ही रहता है इसका मान, लेकिन गुरुत्व त्वरण का मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद है गुरुत्व आकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, जबकि गुरुत्व त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, मतलब ये डिपेंड, ये स्थिरांक है ये तो स्थिर रहता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन जो जी है ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। देख सकते हो यहाँ से, ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एक मिनट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू। ये 5 पॉइंट आपकी वर्कशीट में भी गिवन है, अगर यहाँ से आपको विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, तो वर्कशीट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। चले आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी घट जाएगा। कैसे होगा? देखो, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जो दूरी बढ़ा दी आपने, ये बढ़ा दी, तो मैंने बोला था ये बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो क्या लिखोगे? जी घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, लास्ट प्रश्न है जो आपकी वर्कशीट का। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर है, टू है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।